हेलो टू ऑल। आज हम जाएंगे माँ चंडी देवी के दर्शन करने। माँ चंडी देवी जो मंदिर है वो हरिद्वार से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। काफ़ी एक प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ पे माता ने शुंभ और निशुंभ दो राक्षसों का वध किया था। और यह जो मंदिर है वो नील पर्वत पे बसा हुआ एक बहुत ही लोकप्रिय प्रसिद्ध मंदिर है। कई सारे बंदर आपको इस रास्ते में मिलेंगे, तो उनसे प्लीज़ आप सावधान रहें। बाकी चंडी देवी मंदिर जाने के लिए आपको दो रास्ते मिल जाएंगे। एक रास्ता जो चंडी घाट होते हुए जाता है और एक हाईवे के साथ साथ पुल पार करके एक आपको अलग से एक और रास्ता मिल जाएगा। हम जो है वो चंडी घाट होते हुए ट्रैक कर रहे हैं, जहाँ से 2.2 किलोमीटर का टोटल ट्रैक पड़ता है। साथ ही साथ मंदिर पहुँचने के लिए आप केबल कार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। रास्ता काफ़ी सेफ और सिक्योर है, आप यहाँ से आराम से मंदिर जा सकते हैं। मंदिर जल्दी पहुँचने के लिए आप इन शॉर्टकट रास्तों को भी फॉलो कर सकते हैं, इससे आपका टाइम बचेगा और आप जल्दी मंदिर पहुँच जाएंगे। काफ़ी चलने के बाद हम मंदिर के बेहद करीब थे और यहाँ से आपको हिमालय की पीक भी दिख जाएगी जो कि बहुत खूबसूरत है। और आखिरकार हम मंदिर पहुंच ही गए। मंदिर को देखते ही एक अलग सा अनुभव होने लगा और जितनी भी थकान जो थी ऐसा लगा जैसे कि वो सब खत्म हो गई हो। काफ़ी अच्छा मंदिर था और मन कर रहा था कि बस देखते रहें। यहाँ से आपको पूरे हरिद्वार सिटी का एक बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर। कहा जाता है कि माँ चंडी देवी की जो मूर्ति है वो आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित की गई थी 8वीं शताब्दी में। मंदिर बहुत ही प्यारा था अंदर से, और कैमरा अलाउड ना होने के कारण हम मंदिर को अंदर से रिकॉर्ड तो नहीं कर पाए, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप मंदिर ज़रूर आएँ। जब भी आप हरिद्वार घूमने आएँ तो एक बार माँ चंडी देवी के दर्शन ज़रूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।